हेलो बच्चों, तो हमारा एक चैप्टर है हेलो एल्केन सेल वेरिएंस, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि बुक सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं एक बार आप देखिएगा। हेलो एल्केन सेल वेरिएंस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कुछ हमारी। नंबर फर्स्ट रिएक्शन का नाम है बेटा सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिसिपेट होता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नंबर सेकंड रिएक्शन है हमारे पास, फर्स्ट रिएक्शन होगा, नंबर सेकंड है हमारे पास हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब जिस रिएक्शन में HCl आके क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो हाइड्रोहैलोजिनीकरण अभिक्रिया। नंबर नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारे पास, एक रिएक्शन है जिसमें HCl रिमूव हो रहा है, जिस भी रिएक्शन में HCl रिमूव होता है उस रिएक्शन का नाम होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि विहाइड्रोहैलोजिनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट HCl से काम क्या होता है, HCl को रिमूव करना, और जिस रिएक्शन में HCl रिमूव हो जाता है उस रिएक्शन का नाम होता है बेटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, विहाइड्रोहैलोजिनीकरण अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। इसके बाद क्या हुआ, एक रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन डार्चेन रिएक्शन। डार्चेन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, OH ग्रुप जो होता है ये होता है अल्कोहल ग्रुप, जैसे भी HCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो एक आय में कन्वर्ट हो जाता है, Cl में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी क्या होता है इसमें रिमूव हो जाता है, यानी कि अल्कोहल जो होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, Cl में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, ये डार्चेन रिएक्शन, और रिएक्ट कौन करता है इसमें, HCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड। इसके बाद आ गया एक रिएक्शन है सैंडमैन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और CBSE में भी पूछी गई थी बेटा, ये इस बार पूछी गई थी 2023 में पूछी गई थी। तो इसमें क्या हुआ देखो, सुन लो, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन HCl से कराई, CO2Cl2 के प्रेजेंस में क्या हुआ, N2 गैस रिमूव हो गई बेटा यहां से, और HCl रिमूव हो गया, और ये Cl जाके बेंजीन पर ऐड होगा तो क्या बन गया बेटा, क्लोरोबेंजीन बन गया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन बेटा हमारे पास AgF पार्टिसिपेट होगा, तो इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ज रिएक्शन। क्या नाम होता है, स्वार्ज रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड आता है उसके साथ Ag आगे जुड़ेगा, अब Ag के साथ एक हम ऐसा हैलोजन लेंगे, ऐसा हैलोजन लेंगे, ऐसा हैलोजन लेंगे जिसका साइज इससे कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि Br का साइज बड़ा होगा, F का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कैसी होती है, हमेशा ज्यादा होती है। AgBr रिमूव हो जाता है, अब जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है, कौन सी रिएक्शन होती है, स्वार्ज रिएक्शन होती है। इसके बाद आते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी डाएगी। इसमें क्या होता है, CH3Br जो होता है इसके साथ Na के साथ एक ऐसा हैलोजन अटैच हो जाता है जिसका साइज जो होता है उस हैलोजन, यानी कि Na के साथ वो हैलोजन अटैच होगा जिसका साइज जो होगा रिएक्ट करने वाले स्टार्टिंग वाले हैलोजन से लार्ज होना चाहिए। ओके, यहाँ पे Br है तो यहाँ पे कौन आगा, अगर आई का साइज कैसा होता है, Br से लार्ज होता है, एसिटोन की प्रेजेंस Na में, यानी कि NaBr रिमूव हो गया, आई जाए कहाँ पे ऐड होगा, CH3 के पास, क्या बन गया, ऐड हो गई, कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। इसके बाद ये 11 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, वुड्स रिएक्शन है, और ये बेटा आपके पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिटिंग रिएक्शन, और ये नेक्स्ट है हमारे पास फीडक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, 12th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेहनत के साथ आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।